मेरा नया कंटेंट वाली वीडियो का शुरुआत ऐसे हो रहा है कि मैं बहुत डर रहा हूँ। अभी 2 दिन से मैंने ये वाली वीडियो बना के रखा हूँ कि अपलोड करना है, अपलोड करना है। एक्चुअली अपलोड भी किया हूँ, अभी ये मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ हूँ। मतलब इतना मैं डर रहा था कि कैसे काम करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। ये देखिए, अभी ये अनलिस्टेड में है, और जब तक मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं पब्लिक करूं और अपने आप को थोड़ा चैलेंज दूं। थोड़ा डर भी रहा हूं कि कैसे काम होगा, कैसे काम नहीं होगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रहा था कि बहुत 2 दिन से ये सोच रहा था कैसे पब्लिक करूं, कैसे पब्लिक करूं। तो इस सीरीज़ का शुरुआत हो रहा है डरते डरते। अब ये आप लोग पे डिपेंड है कि प्लीज़, मैं सच में आप लोग से बोलूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से कमेंट थोड़ा सा मुझको कीजिए, मोटिवेट कीजिए, मुझको ज़रूरत है। तो ये अभी ऐसे है और इसको मैं अभी पब्लिक करूंगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो का शुरुआत आज से हो गया है, डरते डरते ही सही, लेकिन हो गया है। हिम्मत तो नहीं हो रही वीडियो पब्लिक करने की, लेकिन करना पड़ेगा। ये है पब्लिक और यहाँ पे मुझको करना पड़ेगा सेव। ये हो गया सेव। लीजिए जी, आ गया नोटिफिकेशन, मेरा नया कंटेंट हो गया। काम कांप रहा हूँ यार। डर लग रहा है कि कैसे काम होगा सारा, कैसे नहीं होगा। और अभी जो मैं फीलिंग ऐसी आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कि पूरी मिक्स फीलिंग आ रही है। हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और इतना मैं डर रहा था, सच में बहुत डर रहा। ये वीडियो भी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि मैं भी कभी इस वीडियो को देखूँ तो मुझको भी अंदर से प्राउड फील हो सके कि हाँ, मैंने चैलेंज लिया था और इसे कंप्लीट किया। लेकिन ये चैलेंज नहीं है, मतलब मेरे हिसाब, मेरे लिए तो चैलेंज ही है, लेकिन मैंने चैलेंज नहीं लिया हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा वीडियोज़ बनाने की। और ऐसे कांप रहा था अभी, हाथ कांप रहे थे मेरे, अब वीडियो शूट नहीं हुआ उतने समय, कि ऐसे घबरा जैसे मैं पेपर देने में उतना नहीं घबरा है जितना इस काम के लिए घबरा रहा हूँ। मैं कुछ दिन वीडियोस बनाऊंगा, अब नहीं बना पाता हूँ तो उसमें कोई बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी। मतलब एटलीस्ट मैंने कोशिश तो किया ना, तो यही बात थी। बाद में मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ अभी, क्योंकि समझिए फीलिंग को। पता नहीं आप समझ सकते कि नहीं, लेकिन मेरी मिक्स फीलिंग है। मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। आगाज ही गलत हो गया यार वीडियोस का। 6:30 बजे आँख खुली। उठते हैं यार, उठते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरी क्या हालत है, आज सवेरे मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। 5 बजे का अलार्म लगाया, नहीं 5:30 बजे, 5:30 का लगाया था। फिर सोते ही सोते मैंने उसको 6 किया। 6 बजे, 6 बजे अलार्म बजा, मैं उसको काट के फिर सो गया। 6:30 बजे मैं कब उठा हूँ, जब शायद मम्मी ऊपर आई छत पर पूजा करने के लिए, तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद मैं उठा था। तो ये मेरी हालत सुधरेगी, सुधरेगी, पक्का सुधरेगी। अभी मैं चल रहा हूँ इसको रखूं, उसके बाद सुबह के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं वो सारे कार्यक्रम किया जाए। आज ट्यूसडे है तो आज शायद मंदिर जाएंगे। आज से मंदिर जाना भी स्टार्ट करना है, बहुत दिन हुआ मंदिर गए। पहले पुराना वाला घर था तो वहाँ जाता था, यहाँ अभी बंद कर दिया हूँ, चेंज हुआ है तब से बंद है। तो आज से सोचता हूँ स्टार्ट करूँगा, सोचता नहीं हूँ, करना है स्टार्ट। नहा धो के पूजा करके मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। और पूजा कर रहा था तब मुझे पता चला कि आज सोमवार है, मंगलवार नहीं है। जब आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन मंगलवार होगा। तो अब मैंने बोल दिया हूँ तो मंदिर जाना ही पड़ेगा।
मम्मी बोल रही है नहीं अब बोले हो तो मंदिर जाओ। हम बोले ठीक है भाई, उसी लिए कुछ बात बोलना नहीं चाहिए, अगर बोलते हो तो करो। तो हमने बोले हैं तो उसका खामियाजा भुगतेंगे, मंदिर जाएंगे। खैर दुख की बात नहीं है, मंदिर जाना अच्छी बात है, आप भी जाया कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप लोग जाते होंगे, और अगर नहीं जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जाना शुरू कीजिए, जाना चाहिए। थोड़ा सा प्रे कीजिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आता हूँ मंदिर से। शंकर जी, पूजा हो गई है कंप्लीट और चल रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, कल है महावीर जयंती तो कल आएंगे अब यहाँ पे। कल हनुमान जयंती, तो हनुमान और महावीर तो एक ही नहीं हुआ, महावीर ही जयंती बोलते हैं ना। अलग अलग है, महावीर जी तो कल थी ना। कल थी हाँ। पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही, ऐसे बोलो तो ज़्यादा आवाज़ आती है, ऐसे बोलो तो कम आवाज़ आती है। अब घर चल रहे हैं, हनुमान जयंती जगह देखिए थोड़ा आप, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। ये है काली जी का मंदिर। अभी जो दुर्गा जी मैं दिखाया आपको, इनके बगल में थी, और उनके बगल में बजरंगबली जी का मंदिर। ये वाली दुर्गा जी का था, मतलब है, और वो बजरंगबली का। बस अब घर चलते हैं, ये मिला है प्रसाद, घर जाके इसको खाएंगे। चलो पुदीना ये गार्डन में से तोड़ दिए, ये पुदीना तोड़िए प्रियंका ने गार्डन में से, वो वहाँ सामने से मंदिर के गार्डन में, मंदिर के गार्डन में। ठीक, क्या दे रहा हूँ? कोल वाली दे दीजिए, 10 वाली। एक दो तीन चार उठा लो, चल मेरी। अरे तुम बैठ जाती हो तो डिक्की नीचे दब जाती है, कोई भी बैठेगा तो डिक्की नीचे दब जाएगी यार। चलो डाला अब डायरेक्ट घर पे। सुबह मंदिर से आने के बाद मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मम्मी बोली कि मुझको मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो मम्मी को मैं उनके फ्रेंड के यहाँ ले गया, वहाँ मम्मी 1.5 घंटे बैठी, मैं भी 1.5 घंटे बैठा। उसके बाद हम लोग आए, तो आने के बाद लगभग 11:30 हो गए थे। उसके बाद आके मैं यहाँ पे एक ऑडियो रिकॉर्ड करना था मुझको मेन चैनल के लिए, तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया हूँ, जो कि लैपटॉप में अभी रिकॉर्ड किया हूँ, और उसको अब एडिट करूँगा। उसके बाद देखिए ये कचरा पड़ा है, इसको साफ़ करना है। और इस रूम में पोछा लगाए 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गया, तो आज अब इस कमरे में पोछा भी लगेगा। और ये कपड़े जो यहाँ हैं इसको अरेंज करना है, और ऐसे ही कुछ कपड़े नीचे रखे दिखाऊँगा आपको, उनको भी प्रेस करके एक सही जगह रखना है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या बोलते हैं टी शर्ट, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इग्नोर कीजिएगा। फटाफट इस ऑडियो को एडिट करता हूँ और वीडियो बना के आज रात को मेन चैनल पे अपलोड करना है। अब थोड़ा काम बढ़ गया है मेरा, सब जगह देखना पड़ेगा। पूरा दिन निकल गया है और आज भी कुछ नहीं कर पाया। एक ऑडियो जो सुबह में रिकॉर्ड किया था मैंने मेन चैनल के लिए, कि आज उसको एडिट करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जितना मैंने 12 बजे तक किया था उतना ही किया, उसके बाद लंच करने गया, लंच करने के बाद मुझको नींद आ गई, और आज ऐसा सोया हूँ कि 5 बजे नींद खुली। 5 बजे नींद खुलने के बाद पापा आए तो कूलर सेट किए हम लोग, थोड़ा गर्मी आजकल ज़्यादा हो रही है, और यहाँ ऊपर वाले रूम में तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है यार, सिर्फ फ़ैन है, कूलर है नहीं। सिर्फ देखिए एक विंडो है ये वाली, और इसके ऊपर फिर टेरेस है। तो मम्मी बोल रही थी हालांकि एसी लगवा लो, लेकिन अभी नहीं, बाद में एसी लगवाऊंगा। तो कूलर सेट किया, पापा थे तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, पापा के सामने वीडियो बनाना होता नहीं है। तो आधा काम हुआ है, आधा काम कल करूँगा, तो कल करके आपको दिखाऊँगा वो काम। और यहाँ पर पानी भर के रखा हूँ, वो जो गमले हैं वहाँ पर अपने को पानी डालना है। 15 गमले के आसपास हैं, 15 गमले में डालेंगे, सिर्फ एक एक मग का पानी डालने से हो जाता है, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और ये जो लगाए हैं ना सीढ़ी, देखिए इस सीढ़ी को अपने को रखना है इधर,
कूलर सेट कर रहे थे, कुछ सामान था उसको उतारना था, तो ऊपर से उतारा हूँ तो ये सीढ़ी मैंने लगाया था, तो इसको अब यहाँ रखना है और पानी डालना है, उसके बाद देखते हैं एडिटिंग करेंगे। और आज वीडियो तो मुश्किल है, देखता हूँ, कुछ पता नहीं है मेन चैनल के लिए। ये वाली वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं वो मंगलवार को आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगा। कब तक होगा ये पता नहीं है, टाइम नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। अरे राम, ये देखिए, इस बाल्टी से सिर्फ एक बाल्टी पानी लेता हूँ और इस पूरी बाल्टी के पानी से कंप्लीट हो जाता है अपना। आज के लगभग जितने काम थे सारे हो गए हैं और आज की एफिशिएंसी भी बहुत कम थी। ये सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ इसलिए भी कि मैं अपनी आदतें सुधार सकूँ, क्योंकि एक दिन बताऊँगा आज मैंने ये काम नहीं किया, दूसरे दिन बताऊँगा कि आज मैंने ये काम नहीं किया, तीसरे दिन भी बताऊँगा कि आज मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन किसी न किसी दिन तो मुझको शर्म आएगी कि मैंने ये काम नहीं किया, आज भी नहीं किया। तो इसके ज़रिए मैं अपनी आदतें सुधारूँगा और बिल्कुल सुधारूँगा। वीडियो एडिट करने बैठा तो मुझको पता लगा कि आज पंजाब का मैच है, मेरी फेवरेट टीम है पंजाब, तो उसका IPL वो सामने चल रहा है, उसका मैच देख रहा हूँ टीवी। और अभी टाइम हो गया है डिनर का, तो डिनर में आज है दाल और ये क्या सब्जी है, भिंडी की और आलू की सब्जी है, ये खीर है, खीर तो मैं खाऊँगा नहीं ज़्यादा, और ये चटनी आम की चटनी है ना, और रोटी, तो खा के मिलते हैं। और अभी पंजाब की स्थिति बहुत ख़राब है, 60-4 11 ओवर के बाद। हर बार मेरी फेवरेट टीम रहती है पंजाब, लेकिन पंजाब अच्छा नहीं खेलती है। मिलते हैं खा के मिलते हैं। ये रखा है दूध, टाइम अभी हो रहा है 11:30, मैच में देख के आया, उसके बाद अब सोने का टाइम हुआ है। आज के दिन कुछ भी नहीं हो पाया, आज पूरा दिन वेस्ट हुआ। ये सारी बात मैं आप लोग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी तो मुझको शर्म आएगी। खैर, आज ना मैं कुछ योगा कर पाया, योगा तो मैं करूँगा नहीं, खैर थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करूँगा, कब करूँगा कल से शायद, देखता हूँ करता हूँ कि नहीं। और मैं सिर्फ IPL ज़्यादा मैच नहीं देखता, सिर्फ एक टीम का देखता हूँ। अभी इस साल पंजाब में ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, वो बेंगलोर में चला गया, नहीं तो पंजाब को मैं इसलिए देखता था क्योंकि मुझको मैक्सवेल की बैटिंग अच्छी लगती थी, गेल की, KL राहुल की, और आजकल अभी मयंक अग्रवाल भी अच्छा खेल रहा, तो मैं और किसी के मैच नहीं देखता, सिर्फ पंजाब का मैच देखता हूँ। उसमें भी प्रेफर करता हूँ पंजाब की बैटिंग देखूँ, लेकिन फिर भी फील्डिंग देख लेते हैं। और देखते देखते ना उतने समय क्या करते हैं, मेन चैनल पर मैं अपनी जो मेन चैनल है उसका स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूँ, तो वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं जाता है। ऐसा ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है लाइफ में, 24 घंटे ही है मेरे पास, और इसी में सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के नाम पे मैं सिर्फ IPL में सिर्फ एक टीम का मैच देखता हूँ बस। अभी ये दूध पिया जाए, थोड़ा सा पी लिया हूँ, थोड़ा सा बचा है। अब इसको पीने के बाद मच्छरदानी लगाएंगे और सो जाएंगे। बाहर ही सोता हूँ मैं अभी, कुछ दिन से सो रहा हूँ। देखिए सामने मैं मोबाइल जला रहा हूँ, यहीं पर सोता हूँ, बढ़िया खटिया है ये। इसको ऐसे हटा के दिखाऊं आप लोग को, ये देखिए, इस पे सोने में ना मज़ा आ जाता है। अभी घर नीचे कूलर चलता है, नीचे रूम में कूलर चलते हैं, गर्मी है, जबकि यहाँ सोने पे ये मुझको ये कंबल ओढ़ना पड़ता है, ये वाला, ठंड लगती है, अभी भी ठंडी का एहसास हो रहा है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, पता नहीं आपको ये वीडियो कैसी लगेगी। मुझको वैसे पता है कि उतना मज़ा तो आप लोग को नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी आदतें सुधार सकूँ। तो बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलो गुड नाइट।